हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल अर्स फूड एंड लाइफस्टाइल। आज का दिन ना बहुत ही खास है क्योंकि मेरे बेटे के लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ क्या है यहाँ पर आपको दिखी जाएगा। तो यहाँ पर मेरे मेहनत से, जो मेरा कमाई से, मैंने यहाँ पर मेरे बेटे के लिए एक छोटा सा तोहफा दिया है। और तोहफा ये है कि उसको साइकिल बहुत दिनों से चाहिए था घर में, लेकिन छोटा था, उसको वो नहीं आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पर आ गए। तो गोडाउन देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही बड़ा गोडाउन है। तो पहली बार मैं ये तीसरी बार साइकिल ले रही हूँ, लेकिन एक गोडाउन में पहली बार रही हूँ। और बहुत सारे वैरायटीज़ के साइकिल्स हैं, टाटा के, हीरो के, हर्कुलर्स के। तो अलग 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 वैरायटी, जितना भी देखो ना उतना मीन्स क्या हो रहा था, सर घूम रहा था, कौन सा ले क्या ले कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स भी दिखाए जो अभी नए नए ट्रेंड में हैं, वो भी सारे के सारे ट्रेंड के वैरायटीज़ यहाँ पर दिखाए। मैं तो कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो यहाँ पर मुझे ना पहले ही नज़र में ये हर्कुलस वाला मुझे अच्छा लगा और मैं इसको ट्राई भी किया, क्योंकि मुझे साइकिल चलानी आती है। तो ये मैंने ट्राई किया तो बहुत ही कंफर्टेबल लगा, फिक्स किया और हमने सोचा कि यही लेंगे। तो इसका कीमत था 5,500 बोले थे, नहीं 6,000 समथिंग कुछ तो बोला था, और वो हमें बार्गेनिंग वगैरह करके ना 5,000 तक मिल जाएगा ऐसे बोले। तो हमने यहाँ पर क्या किया, वो फिक्स करके चले गए। और अक्षय तृतीय को आने वाले थे, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम हो गए तो नहीं आए। तो कुछ 2 दिन बाद आ गए, अक्षय तृतीय होने के बाद 2 दिन बाद आए। जो हमने चूज़ किया था ना वो साइकिल को छोड़ा और टाटा वालों का स्ट्राइडर साइकिल को लेकर आ गए। वो पसंद आ गया मेरे बेटी को, उसको बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए हमने ये ले लिया। इसका कीमत उन्होंने 7,500 का समथिंग बताया था। रेट को ना थोड़ा बार्गेन करके ना ले लिया। और यहाँ पर रॉक्सी देखिए, यहाँ पर बीच बीच में आ रहा है, इसकी बहुत ही गड़बड़ है। तो देखो, मुझे पूजा ही करने नहीं दे रहा था। जो हमने क्यूट सा साइकिल यहाँ पर लिया ना, ये निपानी से न्यू नेशनल साइकिल शॉप से लिया है, बहुत ही पीबी रोड में आता है, आप लोगों को पता होगा शायद। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं पूजा कर रही हूँ और बीच बीच में क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसको खाने को चाहिए। सोन पापड़ी लेकर आए थे ना, वो खाना था उसको। छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, हमारे घर में तो पूजा पाठ होती ही है। जैसे कि सोलर का भी हुआ था, इसका भी हो गया, मैं कुछ ना कुछ दिखाती रहती हूँ आपको। जो कुछ भी हमारे घर में नई चीज़ आती है ना, उसका हम करते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, हम पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत आध्यात्मिक लोग हैं तो वो बताते, तो इसलिए करना पड़ता है। तो रॉक्सी का भी पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वो भी साथ ही खड़ा है और बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसलिए किया। और जो मेरी मेहनत से जो मैं केक ऑर्डर लेती हूँ, स्नैक्स का ऑर्डर लेती हूँ, इवेंट करती हूँ ना, उसके कुछ पैसों से मैंने यहाँ पर मेरी बेटी के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट ली हूँ। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरी कमाई से ली हूँ ना। जो कमाई से हम जो कुछ भी लेते हैं ना, उसकी एक खुशी ही अलग रहती है। वो खुशी बहुत ही मेरे लिए मायने रखता है। और बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स है, शायद वो भी मेरे फुलफ़िल हो। यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से मेरे और सारे सपने पूरे हो जाए, क्योंकि मुझे मेहनत करना अच्छा लगता है। मेहनत से ही मुझे लेना है, विदाउट मेहनत से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इस तरह मेहनत करके ही लेना है। तो इस तरह पूजा पाठ वगैरह हो गया, नारियल वगैरह फोड़े। अब रॉक्सी के आंखें हैं नारियल के ऊपर, उसको नारियल चाहिए, और वहाँ पर नीचे ना सोन पापड़े है, वो भी चाहिए। तो पूजा पाठ होने के बाद जो चाबी है, की है साइकिल का, वो मेरे बेटी को दे दिया। ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक